बट्टू कला में सरसों की खरीद ना करने के रोष स्वरूप किसानों ने शनिवार को मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट पर सरसों की भरी ट्राली खड़ी कर गेट में सरसों की ढेरी लगा दी और रोष प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने किसानों की सुध लेते हुए सरसों की खरीद शुरू की। किसानों के इस रोष प्रदर्शन व धरने में आम आदमी पार्टी नेता लक्ष्य गर्ग, पूर्व विधायक बलवान सिंह धौलप्रिया, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी बात को सुना। वहीं लक्ष्य अग्रक, बलवान धौलप्रिया व प्रहलाद सिंह ने उच्च अधिकारियों से बात कर किसानों की सरसों को शुरू करवाने की बात कही। इसके बाद प्रशासन ने किसानों की सरसों खरीद शुरू कर दी। शनिवार सुबह किसान ओम प्रकाश, राम स्वरूप, लीलू राम, राजपाल राम कुमार सहित अनेक लोगों ने कपास मंडी में सरसों की भरी ट्राली लाकर मार्केट कमेटी गेट के गेट पर सरसों की ढेरी लगा दी और धरने बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। किसानों ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से सरसों बेचने के लिए आए हुए हैं, उनके टोकन कटे हुए हैं, नमी पास हो चुकी है, लेकिन बारदाना न होने की बात कहकर उनकी सरसों का तोल नहीं किया जाता। इसके बाद मार्केट कमेटी सचिव अमनजीत ने उच्च अधिकारियों से बात कर तुरंत बारदाना मंगवा कर किसानों को कपास मंडी में जाकर अपनी सरसों की फसल बेचने का आश्वासन दिया। इस धरने प्रदर्शन को समर्थन देने आप नेता लक्ष्य गर्ग, पूर्व विधायक बलवान सिंह धौलप्रिया, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा, व्यापार मंडल प्रधान सुभाष बादू ने मार्केट कमेटी सचिव के साथ बातचीत कर समस्या का समाधान करवाकर खरीद शुरू करने करवाई। आम आदमी पार्टी नेता लक्ष्य गर्ग ने क्या कहा, सुने। किसान जूझ रहे थे और आपने भी यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इनका साथ दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी मीडिया बंधुओं का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा इस आंदोलन को कवर करा और हमें इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। यहाँ सरसों की खेती को, सरसों की खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ये लगातार 5 दिन से भट्टू मंडी के जो आसपास के किसान थे वो यहाँ बैठे थे कि उनकी सरसों नहीं खरीदी जा रही थी, उठान नहीं हो रहा था, बारिश का मौसम है और बड़ी परेशानी है झेल रहे थे। इस समय में किसान को 100 और काम भी होते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा था। लेकिन आज इनके बुलाने पे आम आदमी पार्टी की भी पूरी टीम यहाँ पहुंची, हमने पूरा जायजा लिया और उसके बाद ट्रली यहाँ से लेके सरसों की हम मार्केट कमेटी गए और वह धरना दे दिया, रास्ता रोक दिया और सरसम भी हमने वहां रख दिए। कह रहे थे हमें काटा चाहिए, हमने इनको काटा भी सामने रख दिया, हमें भी उठाओ अपनी सरसम, लेकिन ये उठाओ हमारी सरसम यहाँ से उठवाओ। तो उनके कानों पे थोड़ी जू रही, उनके कानों में बात पहुंची। उसके बाद जो मंडी के प्रधान है, जो बाकी जो एफड़ वाले हैं, एफड़ वाले वो अधिकारी वहां इकट्ठे हुए, उन लोगों ने बात को समझा। जब सबने शोर मचाया, आंदोलन किया, तो उसके बाद अब पूरी की पूरी उनकी टीम, एफड़ की टीम, सेक्रेटरी साहब और मंडी के प्रधान और बाकी सभी जिम्मेवार अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हैं कपास मंडी के अंदर और सरसों की खरीद उन्होंने अब शुरू करी है। तो इस तरीके से जो मेरा निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। इस तरीके से हर किसान अगर जा जाके आंदोलन करके अपनी फसलों को उठवाएगा तो कब तक उनकी पार पड़ेगी? इनके दुख दर्द को समझे, ऐसी कमरों से बाहर निकल के इनकी समस्याओं को समझे, जो इतनी मेहनत से अपनी फसलों को उगाता है, जिनके दम पे हम दो वक्त की रोटी खा पाते हैं, उन किसानों को इतना परेशान ना किया जाए, क्योंकि पहले ही उन पे कभी मौसम की मार पड़ जाती है, उनकी फसलें पहले ही खुले में उगती है। तो इस समस्या को समझ के आज हर जगह परेशानी है, उठान नहीं हो रहा है। पूरे फतेहाबाद के अंदर सिर्फ 20% उठान हुआ है गेहूं का भी, तो बारदाने की भी समस्या चल रही है, जीएसटी की समस्या भी चल रही है। सरकारी ऊपर से नए नए रूल लागू कर देती है, नीचे समझाया ही नहीं जाता अधिकारियों को वो रूल क्या है, और भ्रष्टाचार भी इसके अंदर हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। जय हिंद, थैंक यू।